नमस्ते दोस्तों, आरजेएस कॉइन कलेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आरजे लेकर आई हूँ एक बेहतरीन टॉपिक लेकर जो कि संबंधित है सिक्कों से। और उस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स, स्मारक सिक्के, जिन्हें इंग्लिश में कॉमरेटिव कॉइन्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सिक्के क्यों जारी किए जाते हैं और क्या होता है इनकी खास डिजाइन का मतलब, देखेंगे वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा आरजेएस कॉइन कलेक्शन पर और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलते रहे। फ्रेंड्स, आपने नॉर्मली देखा होगा लेन देन के वक्त भी आपको कुछ सिक्के जो कि है नॉर्मल डिजाइन से डिफरेंट देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉमरेटिव कॉइन्स। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ अलग विषय के साथ में सिक्के नजर आ रहे होंगे। इन सिक्कों की समान वैल्यू है फ्रेंड्स। यहाँ पर ज्यादातर जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के हैं और ये स्मारक सिक्के सभी वैल्यू में जो है बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। और ये किसी विशेष घटना, विशेष व्यक्ति या विशेष मुद्दे को मनाने के लिए या उन्हें सम्मानित करने के लिए या सम्मान देने के लिए स्मारक सिक्के जारी किए जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक सिक्का नजर आ रहा होगा जो कि है 150वीं जयंती स्वामी विवेकानंद जी की, उसके उपलक्ष्य में इस कॉइन को जारी किया गया था श्री स्वामी विवेकानंद जी को सम्मानित करने के लिए, सम्मान देने के लिए इस सिक्के को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था 150वीं जयंती पर। उसी प्रकार उसी के साथ में एक और कॉइन आपको दिखेगा जवाहरलाल नेहरू जी की 120वीं जयंती के उपलक्ष, सॉरी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी ये कॉइन जो कि 5 रुपए का ही है। और इन सिक्कों पे उन विशेष व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए उनका जो चित्र है वह भी बना हुआ है। फ्रेंड्स, इस श्रेणी के जो सिक्के हैं वो कई सिक्के एक संग्राहक वस्तु के रूप में भी जारी किए जाते हैं। और हालांकि कुछ देश इन सिक्कों को नियमित संचलन के लिए भी स्मारक या सॉरी संचालन के लिए भी जारी करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं कई प्रकार के जो है स्मारक सिक्के दिखाऊंगी जिनकी अलग अलग वैल्यू है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं अलग अलग वैल्यू वाले स्मारक सिक्के। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो सारे सिक्के आप देख पा रहे हैं ये 5 रुपए के वैल्यू वाले कॉइन्स हैं जो अलग अलग विषय के साथ स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अगले वैल्यू वाले स्मारक सिक्कों की। ये फ्रेंड्स 10 रुपीज के कॉमरेटिव कॉइन्स जो कि अलग अलग विषय के साथ जारी किए गए थे। यह फ्रेंड्स 2 रुपए के स्मारक सिक्के जो कि अलग अलग विषय के साथ बनाए गए थे। उसी के साथ फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे हैं 1 रुपए के स्मारक सिक्के जिनका विषय भी अलग अलग है और इन्हें भी किसी खास उद्देश्य के लिए जारी किया गया था या किसी विशेष व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए इस सिक्कों को जारी किया गया। इन कॉइन्स में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स विशेष व्यक्तियों पर जारी सिक्के हैं, कुछ खास मुद्दे हैं जिनके उपलक्ष्य में इन सिक्कों को जारी किया गया था। यह थी फ्रेंड्स स्मारक सिक्कों की जानकारी, ये क्यों बनाए जाते हैं और क्यों होते हैं एक नॉर्मल कॉइन से अलग, ये मैंने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज से पहले आपको इन सिक्कों की जानकारी थी क्या। तो मिलते हैं किसी एक और खास कॉइन्स की जानकारी से जुड़ी हुई वीडियो लेकर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा आरजेएस कॉइन कलेक्शन पर। थैंक यू सो मच।